सब गाइस कैसे हैं आप सब। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ हम वापस आ गए, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले द मूवी कश्मीर फाइल कंट्रोवर्सी को लेके। कश्मीर फाइल इज प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी ऐसा कहना है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी हेड एंड इजरायली फिल्म मेकर नैडब लेविट का। उन्होंने गोवा में चल रही IFFI क्लोजिंग स्पीच में कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की सबसे बड़ी गलती की इस मूवी को सिलेक्ट किया गया ऐसे प्रेस्टिजियस फेस्टिवल के लिए। ये मूवी कश्मीरी पंडितों के इमोशंस को ह्यूमिलिएट कर रही है। जो कि इस मूवी में कश्मीर पंडित का कैरेक्टर निभाए हैं, उन्होंने लिखा कि ये सब प्री प्लान्ड है, कैसे ये सब होना था। न्योर गेलन जो कि करंट इजरायली एम्बेसडर ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक ओपन लेटर ट्वीट करते हुए लिखा, एन ओपन लेटर फॉलोइंग हिज क्रिटिसिज्म ऑन कश्मीर फाइल इज नॉट इन द हेब्रू बिकॉज आई वांटेड आवर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। इट इज ऑल्सो रिलेटिवली लॉन्ग शो। आई विल गिव यू द बॉटम लाइन फर्स्ट, यू शुड बी अशेम्ड, हियर्स व्हाई। एंड एज पर मीडिया, उन्होंने बताया कि उन्हें अपॉलजी भी मांगनी चाहिए। गाइस इस इंसिडेंट पे चलाने को मिल रहा है क्योंकि उनके चैनल्स पे कोई भी वीडियोस नहीं आई है 9 मंथ से, बट वो सिर्फ स्पॉन्सर्स वीडियोस कर रहे हैं। कमेंट्स में लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि क्या आशीष चंचल है अब पैसों के पीछे जाएंगे। ब्रो इफ यू रियली हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज देन प्लीज टेक केयर, बट गिविंग एवरी टाइम द सेम एक्सक्यूज एंड देन मेकिंग वीडियोस विद अदर कंपनीज मेक अस फील दैट यू आर जस्ट लाइंग विद पीपल। ट्रस्ट मी ब्रदर, there are two types of people, one who cares about audience, one who cares about getting sponsored by money grabbing companies। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बिग बॉस 16 के वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेके। जी हाँ, कई मीडिया आर्टिकल्स के अनुसार न्यूज सामने आ रही है कि मिया खलीफा होने वाली है नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री। साथ में देखने वाले गोल्डन बॉय संजय गुज्जर एंड सनी नाना साहेब। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एल्गो की तरफ से। एल्गो ने एक्सपोज कर दिया है मनोज दे को फॉर मेकिंग फेक एंड मिसलीडिंग वीडियोस। मनोज ने एक वीडियो शेयर किया था जहां तक बताया था कि शॉर्ट्स को कब किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए, जिसे पूरी तरह से एल्गो ने बताया मिसलीडिंग। बट ये वीडियो इतनी ज्यादा मिसलीडिंग थी कि मैं अपने आप को बोलने से रोक ही नहीं पाया। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये पूरी वीडियो ही गलत इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है एंड एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। अगर मनोज भाई तुम इस वीडियो को देख रहे हो, जो कि आई एम श्योर देख ही रहे होगे, तो तुम्हें भी काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू होते ही मनोज भाई कहते हैं कि हम लोग किस टाइम वीडियो अपलोड करते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि वीडियो वायरल होगी या नहीं, एंड इस फैक्ट के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया है। हाँ भाई, बात तो सही है, ये वीडियोस तो खाना बनाने के बारे में है ना, वीडियो अपलोड टाइम के बारे में थोड़ी है, मतलब कुछ भी। जस्ट नेक्स्ट अपडेट आ रही है एलन मस्क की तरफ से। ट्विटर ने एप्पल एड्स को कर दिया है बंद। स्टार्टिंग में एप्पल्स के काफी सारे एड्स नजर आते थे ट्विटर पे, बट एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए बताया कि एप्पल हैज मोस्टली स्टॉप्ड एडवर्टाइजिंग ऑन ट्विटर, डू दे हेट फ्री स्पीच इन अमेरिका। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए बताया कि एप्पल ने थ्रेट दिया है कि वो एप्पल स्टोर से ट्विटर को हटा देंगे। वहीं एलन मस्क ने एप्पल को पोक करते हुए ट्वीट किया एंड लिखा कि उनके ऐप स्टोर से बाइट प्रोडक्ट्स पे 30% सीक्रेट टैक्स लगाते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कैरमनाडी की तरफ से। कैरमनाडी सिंगापुर यूट्यूब फैन फेस्ट में परफॉर्म करने गए थे एंड उनके बाद वो काफी इमोशनल नजर आए। और इट इज जस्ट वेरी, आई डोंट नो, एवरी टाइम आई परफॉर्म इट्स जस्ट वेरी वेरी इमोशनली हैवी, और ऐसे हो जाता है अंदर से ना कुछ बाहर आता है जो कहता है मेरे को ये करना है, मेरे को ये अपनी पूरी ज़िंदगी करना है। बिकॉज जब तुम अपने आप को वहाँ पे देखते हो ना, और जब तुम अपने आप को देखते हो कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ पहुँच गए हो, वह यकीन सा नहीं होता। वो लगता है मैं ऐसे इमोशनल हो रहा हूँ, बट इट इज़ वॉट इट इज़ मैन, एंड दिस इज़ वॉट फील्स टू बी अलाइव फॉर दैट 13-year-old kid who sat on his computer the whole day, didn't know what the fuck to do, but still he did it. So I want to say thanks to everybody who has been part of this journey, because we are not going anywhere and we are going to continue this. नेक्स्ट अपडेट आ रही रफ्तार की तरफ से। रफ्तार दिखे कृष्णा के लाइव शो पे, बट एज अ कृष्णा सिक्योरिटी गार्ड। उन्होंने इस पे एक ब्लॉग भी बनाया है जो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही ओमेगल किंग आदर्श यूसी के बारे में। रियल एट के पॉडकास्ट पे उन्होंने अपने यूट्यूब इनकम को कर दिया है रिवील। नेक्स्ट अपडेट आ रही अदनान सामी की तरफ से। किसी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा उर्दू इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, वो पाकिस्तान की लैंग्वेज है। उस पर अदनान सामी ने रिएक्ट करते हुए लिखा, हाहा आई लव इट व्हेन जाइल्स स्पीक इग्नोरेंट क्रैप विद सच रीश्योरिंग कॉन्फिडेंस। अबे अकल के पैदल, उर्दू इज इंडियन जवान विद इट्स ओरिजिन इन दिल्ली उत्तर प्रदेश इंडिया, नाउ सक ऑन डैट। उस पर किसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, इंडियंस को उर्दू बोलनी आती है क्या। उसका रिप्लाई करते हुए अदनान सामी ने लिखा, पाप से कभी कहोगे कि बच्चे पैदा करने नहीं आते उनको। गाइस स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट अपडेट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।